हेलो फ्रेंड्स, कल्पना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम का अचार बनाना सिखा रही हूँ। उसमें क्या क्या सामग्री पड़ेगी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आधा किलो आम लूँगी। नमक हल्दी मिला के मैंने 4-5 घंटे इसको रखा है और फिर धूप में थोड़ा 1 घंटे के लिए थोड़ा सुखाया है, किसके पानी से आम का अचार खराब हो सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सुखा दिया है, इसका पानी सुखा दिया है। अब हम आपको सामग्री बताएंगे। सबसे पहले मेथी दाना 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, और फ्रेंड्स राई ज़्यादा हम लेंगे, राई अचार में के मसाले में सबसे ज़्यादा पड़ती है, और 1 चम्मच करायल, 1 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया लेंगे, और 2 चम्मच नमक, थोड़ी सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई 8-10 कली लहसुन की लेंगे, और चुटकी भर हींग लेंगे जो हम तेल में कड़काएंगे गरम करके। अचार में सबसे पहले जो सामग्री पड़ती है वो है सरसों का तेल। अगर हम इसको नहीं डालेंगे अचार में तो अचार खराब हो जाएगा हमारा, इसलिए सबसे पहले हम हींग डाल के इसको कड़का लेंगे। अब हम इसको गरम कर रहे हैं। 3 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, ये हमने तेल डाल दिया। अब 1 चुटकी हींग इस पे डाल देंगे, थोड़ा सा गरम हो जाएगा, अच्छा धुआं छोड़ने लगे तब फिर हम इसकी नौक बंद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा तेल, सरसों का तेल गरम हो गया है और हम इसकी नौक बंद कर देंगे। अब धीरे धीरे एक एक मसाले मिक्सी में जार में डालेंगे। ये मेथी है, ये जीरा है, ये हमने सब थोड़ा सेक के रख लिया था, ये राई हमारी तो पिसी हुई है इसको नहीं पीसना है, ये सौंफ है आधी हम पीस के डालेंगे, आधी खड़ी डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। करायल भी हम खड़ी डालेंगे, ये धनिया 2 चम्मच, इसको भी हम डाल के जार में पीस लेंगे, और थोड़ी सी ये लाल मिर्च 8-10। हमने जो सारी सामग्री मिलाई थी उसको हम ग्राइंड करेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पिस चुके हैं। हमने जो तेल गरम करके रखा हुआ था उसको अब हम इस मसाले में मिला देंगे। 3 चम्मच ये हम मिक्स कर देंगे मसाले को अच्छी तरह, जिससे ये हमारा मसाला मिक्स हो जाए। फिर ये हम इसमें आम की कलियों को मिक्स करेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम डिब्बे में डाल देंगे और ढक्कन नहीं लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, ढक्कन नहीं लगाना है, 2-3 दिन हम पतले कपड़े से इसको ढक के रखेंगे। इसमें डिब्बे में भर के हम अब इसको हम छन्ने से, पतले छन्ने से बांध देंगे, और इसको हम गाइस एक दिन के लिए धूप में भी रख सकते हैं, जिससे अचार हमारा जल्दी गल जाएगा और खाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये है हमारा खट्टा मीठा आम का अचार। थैंक यू।